गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब? होप करती हूँ आप अपने घर में बहुत अच्छे हो। स्वागत है आपका आज के न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ 10 बजे उठ चुकी थी, नींद बहुत आ रही थी पर फिर भी उठ गई हूँ। और रात को मैंने लगा लिया था अपने बालों पे तेल, क्योंकि मैं धूप से आई थी ना कल, तो कल हेडेक बड़ी ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने मसाज करवाई थी रात को, तो अभी शाम को करूँगी इसे वॉश। तो अभी खाना वाना बन गया है, तो खाना वाना लगे हैं हम खाने। आज का दिन ऐसे ही है जैसे मतलब धूप वाला। अब तो नहीं बाहर जाऊंगी, कल जाना पड़ा इमरजेंसी, पर अब नहीं जाऊंगी भाई। ब्लॉग घर पे ही देख लो आप लोग, यही आप मतलब कर लो चॉइस आप अभी इन दिनों में, क्योंकि इन दिनों में बाहर जाना अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं जा रही हूँ बाहर, घर पर जो भी होगा वही ब्लॉगिंग में आएगा आपके सामने। तो वहाँ पर उधर बन रहा है खाना, खाना बन चुका, चाय बन रही है। तो चाय नहीं बना रही थी, लस्सी बना रही थी बच्ची और बना ली चाय। मैंने कितनी बार समझाया थी सुबह चाय मत बनाया कर, कच्ची लस्सी जो होती है ना बहुत अच्छी होती है, वो बना लिया कर खाने के साथ। ये अपना ऐसे अपना होता है, ये चाय के साथ खाती है, लस्सी नहीं पीती ना, तो ये मेरे लिए वही बना लेती है। मेरे लिए आगे से चाय नहीं बनेगी सुबह, लस्सी होना। ओके चले दोस्तों, बोल दिया, अब देखते हैं कल मानती है कि नहीं मानती है, मतलब याद रहता है इसे कि नहीं रहता, वैसे तो ये सब भूल जाती है। तो बच्चे अंदर बैठे हुए हैं, बच्चे भी खाने लगे हैं, खाना अभी नहाए नहीं है, मैं बोल रही हूँ उनको नहाने के लिए, अभी नहाएंगे तो फिर उन्हें खाना दूंगी मैं। तो यहाँ पे ब्रूनो ऐसे बैठा है, ब्रूनो खोल दो, हाँ देखिए बोल रहा है, हाँ जी खोल दो, खोल दो, चलो खोल देती हूँ ठीक है। हाँ ये कितनी जल्दी अपने सर को लाता है, पर जब खोलते हैं ना तो नुकसान करता है, खोलने के नाम से ही, देखिए खोलने के नाम से ही सिर हिलाता है। खोल दो, चलो ओके खोलते हैं। चले दोस्तों खोल देते हैं इसे थोड़े समय के लिए, पहले सारी चीजें मुझे समेटनी होगी, सारी चीजें छिपानी होगी, फिर इसे खोलूंगी, नाराज हो गया। तो मैंने बनवा ली है लस्सी, मैं नहीं पीऊँगी चाय, मैंने भी जिद कर ली भी जो चाय पड़ी है अब जो बना दी है मुझे नहीं पता अब उसका, मुझे लस्सी बना के दी, क्योंकि लस्सी से ना जो घबराहट नहीं होती, चाय से आजकल घबराहट होती है। तो ये देखिए कच्ची लस्सी, मिल्क बहुत कम पाया डाला है इसमें, साड़ी पंजाबी आ ही जाती है बच्चे, मिल्क बहुत कम डाला है इसमें, और ये है फड़ता और ये चपाती। तो मिल्क कम वाली जो लस्सी होती है ना वो ही पीनी चाहिए, वो बहुत अच्छी होती है। मैं यहाँ पे कुछ खा रही है, क्या खा रहे मैम? मैगी खा रही है। क्यों खाना नहीं खाना? भूख नहीं लगती, मैगी की भूख लगती है। तो यहाँ पे बड़े आराम से खा रही है मैम, मैगी स्माइल दे रही है ब्रूनो। तो यहाँ पे है ब्रूनो, ब्रूनो ब्रूनो, ये क्या पकड़ा है, ये क्या पकड़ा है, ये क्या है, ये क्या है? इसने ना शार्पनर पकड़ा हुआ है, अब ये खाने की कोशिश करेगा। ये वस्तु नुकसे ऐसे लेके आता है, इसलिए खोलती नहीं मैं इसे, इसलिए खोलती नहीं मैं, इसलिए नहीं खोलती मैं, इसलिए नहीं खोलती इसको मैं। ओ नो गंदा है। यहाँ पे ना मसाला तैयार कर दिया है, ये है दाल का मसाला। और आज शॉकिंग न्यूज़ आपको मिलने वाली है, अब भी जो सस्पेंस है वह ख़त्म करूँगी 2 मिनट के बाद, बस वेट कीजिएगा। यहाँ पे टमाटर रख दिए, टमाटर अभी धोने वाले हैं तो फिर कट करूँगी मैं। तो यहाँ पे मिर्ची हो रही है, यहाँ पे आज महिमा बनाने वाली है दाल, ये रख दिया है मसाला। और नहीं अभी थोड़ी डालना, अभी बताऊँगी एक एक चीज़ बताऊँगी ना फिर डालना। तो मैं आज पहली बार इसे ये चीज़ की सिखा रही हूँ, मैगी वगैरह चावल वगैरह तो बना लेती पर दाल इसने कभी बनाई नहीं है। बेटा अगर कढ़ाई सूख गई है, इसे उठा कड़की को इसे ऐसे कर, ठीक है। अब इसमें ऑयल डाल, डाल डाल सारा देखना, और डाल थोड़ा बेटा नीचे कर ले, कुछ नहीं होगा नीचे करना, कढ़ाई से मत लगाना, हाँ बस ठीक है। ऑयल डाल दिया, अभी से गर्म होने के, ठीक है यहाँ पे देखिए, अब वेट कर गर्म होने के, हिला मत बेटा गर्म होने दे इसे,
इसका ढक्कन लगा, ऑयल का ढक्कन लगा। खुला ही था आपने? नहीं बेटा, इधर देख पड़ा होगा ना कहीं पे। ये रहा, ये आवाज ऐसी आएगी इसमें। ये है जीरा, इसे खोल। अब पूरा नहीं डालना, थोड़ा सा पीछे हो। चल खड़ी रह, एक मिनट। अभी तेल गर्म होएगा, जब तेल गर्म होगा ना पूरा, तेल गर्म कैसे होगा मैं बताती हूँ। ये आवाज़ आ रही है ना, अभी दो मिनट और रुक, फिर तेल गर्म होगा, फिर थोड़ा सा जीरा डालना। सबसे पहले क्या डालना? जीरा। जीरा ये हाथ में पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे तेल हो रखा है गर्म, ये कोक डल रही है, पीछे पीछे जा रही है। क्या बनाएगी ये सब्जी? पर आज बनाएगी ये, अच्छे से होने दे बेटा, अच्छे से होने दे। और डाल इतना बस ए, चल डाल दे, डाल दे, डाल। नहीं डाल, नहीं नहीं पड़ेगा, तुम डाल ये। अब डाल, नहीं रुको, डाल। कितनी देर में? ये अपना नुस्खा अपना रही है, ऐसे करेगी। ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये पढ़ने में भी इंटेलिजेंट है और ऐसे भी इंटेलिजेंट है। अच्छा है बेटा, पहली बार ये वाली चीज तूने की और मैंने भी सीख ली है तुझसे, थैंक यू वेरी मच। ये पहली बार इसने मुझे भी सिखाया है, नहीं तो मुझे भी ऐसे नहीं आता था। चल अब जल्दी से प्याज और ये लहसुन दोनों चीजें डाल दे, जल्दी जल्दी, ये वो सड़ जाएगा। इधर से डाल, ए मेरा नहीं आएगी, नहीं आएगी। वेट वेट वेट, तो ये डाल दिया है महिमा ने सारा मसाला। तो ये देखिए भून गई है, कैसा लग रहा है बेटा आज? डर लग रहा है। पर तूने वो जो आइडिया अपनाया ना, कड़छी में डाल के ना जीरे को और फिर डाला है उसमें, तो बहुत अच्छा आइडिया, वेरी गुड। क्योंकि वो मुझे भी कभी समझ नहीं आई, जब जीरा डालते थे एक तरफ से वो जलता है ना, वो मतलब तेल जो है बॉयल हो जाता है ज्यादा, तो ऊपर आता है फिर हाथ पे पड़ जाता है कभी कभी। तो ये बड़ा अच्छा आइडिया है, कड़छी को निकालो, कड़छी पे डालो पहले, फिर उसमें तेल में डाल दो, ये बहुत अच्छा है ना। थैंक यू। तो अभी भून रहे हैं मसाला, अभी वेट कीजिए, फिर बताती हूँ आपको इसका कलर कैसे है। ये देखिए थक गई। आपको पता एक बात बताओ, अभी इसने शुरू भी नहीं किया तो कहने लगी मम्मा पानी तो पिलाना बनता ही है। अभी शुरू भी नहीं किया था तभी बोल दे रही किचन में, गर्मी ज्यादा है ना दोस्तों, है गर्मी ज्यादा है, आज पता लग रहा है गर्मी है। तो आज पूरी चावल और दाल यही बनाएगी, हम लोग नहीं बनाएंगे, बस मैं इसे बताती जाऊंगी और यही बनाएगी। तो ये मसाला पूरा हो चुका है क्रिस्पी, देख पा रहे हैं आप लोग। तो ये मेहमान ने आज कर दिखाया, और मैंने ना इसके लिए सारे मसाले यहाँ पे रेडी कर दिए। ये है सूखी मेथी, ये देगी मिर्च, ये है मैगी पाउडर, और ये है गरम मसाला, जो घर का बना हुआ मसाला होता है ना वो वाला, इस बार मैंने बनाया है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो मैंने एक ही प्लेट में इसे तैयार कर दिया है मसालों को, हल्दी और नमक पहले से डाला हुआ है इसलिए नहीं डालेंगे वो। तो ये देखिए हो गया है मसाला, पूरा अच्छे से भून गया है ना बेटा। हाँ भाई ऐसा कर, ये मसाले डाल सारे, नहीं सारे एक बार नहीं डालेगी, पहले डाल देगी मिर्च डाल, ये रेड वाली होती है ना, ये देगी मिर्च होती है, ठीक है, ये ले चम्मच रेड वाली देगी मिर्च। टमाटर भी डालेंगे इसके बाद, पूरे प्लेट में ऐसे डाल दे। अब टमाटर डाल, ये पको सारे। हाँ ये जा रहे हैं टमाटर, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो डर मत, नहीं पड़ेगा, मैं बोल रही हूँ नहीं पड़ेगा। तो ये हो गए टमाटर, अभी लाए थे जल्दी से आराम से, दिखा मुझे ऐसे ही लाते बेटा, ठीक है। इसे अच्छे से मिक्स करना होता है ताकि ये ना अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए एक दूसरे के साथ। चलो अब थोड़ा सा इसे मसलने देते हैं, मतलब जब टमाटर पूरे मैश हो जाएंगे ना, जब टमाटर पूरे अपना वो पानी छोड़ देंगे है ना, फिर तब समझो मसाला रेडी है। फिर जो दूसरे मसाले मैंने दिए ना, तो ये फिर वो डालने, ओके। हाँ याद रखना अब क्या क्या डालना है पहले, ये रहेगी। हाँ ये रहेगी ना, ये पता क्या है, रुक जा, चल डाल दे, ये भी डाल दे, ये भी
चल बस करो और मत डाल, रहने दे, हो गया कलर इसका। अब ये दिखा मुझे, प्लेट दिखा मुझे, आप बताइए मसाला कौन सा है, ये क्या है? ओरिगन। ये क्या है? हल्दी। हल्दी नहीं बेटा, ये मैगी मसाला है, मैंने पैकेट से बाहर निकाल दिया है, है ना? और ये क्या है? धनिया। नो, सूखी मेथी। याद रखना है इन सारे मसालों को, ठीक है? ये खा मत अब, ऐसे नहीं करते, गंदे बच्चे होते हैं, ऐसे नहीं करते। तो दाल उधर बन गई, मैंने चेक कर लिया, अभी मसाला सारा रेडी करते हैं। ये देखिए इसने क्या किया, एक साइड पे सारा मसाला कर दिया। साइड पे थोड़ी सेक लगता है पागल, ये यहाँ पे लगेगा, ठीक है? अब 5 मिनट वेट करते हैं दोस्तों, 5 मिनट इसे पकने के बाद फिर मसाले दूसरे डालते हैं, तो फिर देखते हैं। मैमा को पूछते, मैमा कैसे गर्मी लग रही है, दिखा फेस पे पसीना आ रहा है? अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, इसका फेस ड्राई है, अभी नहीं आया इसे। हाँ आप डाल दे, स्पून मैंने रख दिया। हाँ पहले वो डाल, ये वाला मसाला डाल, ये वाला। हाँ ऊपर उठा ले ना, प्लेट को ऊपर उठा, प्लेट को ऊपर उठा। चल अब डाल। हाँ वेरी गुड, अब मैगी मसाला भी डाल दे, पूरा ही डाल दे, प्लेट को पूरा ही डाल दे। हाँ हाँ वेरी गुड, अभी ला उसे, थोड़ा फास्ट करते बेटा, थोड़ा सा फिर नीचे लग जाएगा मसाला। तो ये देखिए हो गई है रेडी मसाला, ये पूरा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे महिमा कह रही मुझे भी आ रहा है पसीना, ये क्या कर रहा है बेटा, फट जाएगा, कुछ काम अच्छा कर दिया कर। चल अब हिला, थोड़ा तेज कर इसे, चल हिला आराम से। तो इन दिनों ना महिमा सुबह जाती है 7:30 बजे और 10:30 बजे आ जाती है वापस, क्योंकि इसकी एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही हैं। और मैंने सोचा इसे ना थोड़ा बहुत ऐसे घर का काम सिखा दूं छुट्टियों में, ठीक है महिमा? नो सिखाऊंगी बेटा, कभी कभी करना पड़ता है ना अगर कोई नहीं हो घर पे, ठीक है? करते हैं, ठीक है? बुढ़े बच्चे जो है उन्हें सारे काम आने चाहिए, स्टडी अकेली नहीं, सारे काम आने चाहिए। ओके तो महिमा के ना अभी स्कूल लगेंगे 28 तक अभी इसके स्कूल चलेंगे। तो ये देखिए दाल डाल दी है इसमें, अभी दाल थोड़ा सा इसके साथ होगी मैश, तो उसके बाद कुकर में डालूंगी। और दाल ना थोड़ी सी ये संगनी, तो इसमें बॉईल करके थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा मुझे। बाकी हो गया है हमारा जो खाना रेडी, तो ये देखिए अच्छा कलर आया है, अच्छी लग रही है देखने में। तो दीपिका खाने लगी है मेडिसिन, देखिए ये मेडिसिन लेके आई, पता नहीं क्या हुआ है, वो बुखार हुआ है इसे, आज फीवर हुआ है, तो उसकी वजह से फिर भी स्माइल कर रही है, तो उसकी वजह से खाने लगी है मेडिसिन। तो चलिए आज इसकी हेल्थ वीक ही थी सुबह से लेके अभी तक, ये खराब हेल्थ के साथ ही चल रही है, तो इसलिए इसकी जगह आज महिमा ने बनाया है खाना। इसे मिल गई है रेस्ट, चल खा ले अब। हिमांशु ऐसे खाना खाता है, पहले तो पूरा लेटा हुआ था, अभी थोड़ा सा ऊपर हुआ है, लेट के खाना खाता है। दाल चावल कैसे बने? दाल चावल टेस्टी नहीं बने, खाए नहीं अभी, चल खा के देख फिर कैसे बने, पहले खा के देख फिर बताऊं किसने बनाए, पहले खा। पहले पानी पकड़ाना, तेज। चिंगम खा रहा है, चिंगम अन टेस्टी नहीं है। तो ये खा रहा है खाना, भी बता जल्दी से कैसा बना है। अच्छा दाल कैसी बनी, टेस्टी है? ओके तो इसे लग गया है खाना, टेस्टी, बहुत अच्छा बना है खाना। तो
चलिए जब हम खाएंगे ना तब आपको असलियत बताएंगे। और अभी मैं बता देती हूँ इसे कि किसने बनाया, ये बनाई आज मेहमान ने। तो ये आ गई दोस्तों चाय, मैं पीने लगी चाय अभी बन के ना, वहां पे पड़ी हुई थी बेड पे, मैंने देखी नहीं तो फिर से अभी गर्म की है चाय, तो अभी मैं पी लेती हूँ। मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका है, बाहर बड़ी ज्यादा हवा चल रही, हवा नहीं अंधेरी कहेंगे, बड़ी ज्यादा अंधेरी चल रही है बाहर का जो है ना, देखिए कैसी हवा अंधेरी पूरी तरह से आ रही। सामने गोलगप्पे वाले भाई और ये सामने वाला रोड देखिए कैसे मिट्टी मिट्टी उड़ रही है। तो मैं गेट को बंद करने आई हूँ, बड़ा जोर लग रहा है, ये बंद नहीं हो रहा बेटा, हो जा। तो अभी कर देंगे इसे बंद, बंद हो जाओ। तो यहाँ पे ये देखिए कैसे पूरा कवर मिट्टी से भर गया है, बहुत ज्यादा मिट्टी आई जमीन पे, देखिए ये अंदर भी आपको दिखाई दे रही होगी ना, बहुत ज्यादा। इतनी ज्यादा हवा और इतनी ज्यादा अंधेरी चल रही है ना कि बता नहीं सकती हूँ। इसलिए मैं एक बात यहाँ पे ना, मैंने एक बात सीखी है, बहुत सारे लोग ना ये गूगल के थ्रू मतलब ऐसे वैज्ञानिक ना के तौर पे बोलते थे कि शनिवार को और शुक्रवार को बहुत ज्यादा धूप होगी, ये कितने बड़ी डेंजरस है। इवन मैंने सुना भी था, मैंने उस वीडियो को ना शेयर भी किया था, पर मैंने एक बात सीखी है भाई, ऊपर वाला जब करने पे आ जाए ना तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी उल्ट शुल्ट हो सकता है। मतलब हमारी जो थिंक थी ना कि इन दिनों में गर्मी बहुत पड़ने वाली है, इन दिनों में लोग बहुत बीमार हो रहे हैं, बहुत ही लोग जो है स्ट्रेस में जा रहे हैं गर्मी के कारण, बहुत सारे पेशेंट्स मतलब हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, ऐसा देख रहे थे हम लोग। पर आज रात ऐसा हुआ है कि सारी चीजों को ना ऊपर वाले ने अपोजिट कर दिया है, बिल्कुल ही अपोजिट कर दिया है। तो ये है हमारा परमेश्वर जो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और ये बहुत ही अच्छा मौसम एक साइन है कि हम जो है ना, हम गूगल पे नहीं आधारित है, मतलब हम गूगल के बेस पे नहीं चलने वाले लोग हैं, हम उस पे चलने वाले लोग हैं, उसकी इच्छा से चलने वाले लोग हैं। और आज मेरा ना ये जो है ना, ये हम नेट पे देखते हैं ये वेदर कैसा है कैसा नहीं है, तो थोड़ा सा बिलीव ना टूटा है मेरा, तो थोड़ा सा क्या टूट ही गया भाई, पूरा का पूरा, क्योंकि आज जो ऊपर वाले ने कर दिखाया ना, वो मतलब नेट को उसने मतलब क्या कहे भाई, डिस्कनेक्ट कर दिया मेरे जीवन से। अब मुझे वेदर के ऊपर नहीं, मुझे उसके ऊपर भरोसा करना है कि मुझे पता है कि वो कर सकता है। लोग तरस रहे थे, चावल भर डालना वो, हाँ 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 नाले नाले, तो वो कर सकता है भाई, भरोसा रखे ऊपर वाले के ऊपर, वो सब कुछ कर सकते हैं। और इतने गंदे हालातों में कि लोग ना घर से बाहर भी नहीं निकल रहे थे, मैंने भी बहुत सारे ब्लॉग में पीछे बोला ना आप लोगों को घर से बाहर मत निकलिएगा, पर मैं आज आपको बता दूं, आज वो ऊपर वाले ने सारी चीजों को कैंसिल किया है, जो लोग वैज्ञानिक बता रहे थे ना फेसबुक पे या इधर उधर इंस्टाग्राम पे, बहुत सारी वीडियोस मैं देख रही थी, पर वो सारी चीजें आज दूर हो गई है, कैंसिल हो गई है। इतनी ज्यादा अंधेरी और इतना ठंडा मौसम है कि बता ही नहीं सकती मैं, ये बटाला का वेदर है भाई, जो वेदर हमने नेट पे देखा था वो नहीं है, जो ऊपर वाले का वेदर है। तो चलिए एंजॉय करते हैं इस मौसम को। इस मौसम में सामने ना हमारे हलवाई है, जिनसे ना हम समोसे वगैरह लेते हैं, मतलब कोई आया गया हो तो हम समोसे उनसे लेते हैं, बहुत अच्छे समोसे बनाते हैं वो। तो मैं अभी गेट बंद करने गई ना, तो उन्होंने जो आग जलाई हुई है ना उस पट्टी के अंदर, जो तंदूर वगैरह जो होता है उसके अंदर आग जलाई है, वो सारी हवा से आग ना, साथ गोलगप्पे वाले भाई है ना, उनकी सारी उनकी वो जो वहां पे ना खड़े थे ना, वहां पे आग वहां तक गई आग। तो मैंने डर के मारे ना अपना गेट बंद कर लिया, मैंने कहा इधर ना आ जाए, क्योंकि बाइक वगैरह लगी हुई है वहां पे बाहर भी, तो इसलिए मैंने ना गेट बंद करके अंदर आ गई। पर हवा अंदर तक इतनी, इधर वाले इधर से ना बहुत ज्यादा तेज हवा आ रही है, इधर वाले एरिया से देख पा रहे, अब मेरे बाल भी उड़ रहे होंगे, बहुत तेज बारिश आ गई है भाई, तूफान आ गया, बहुत अच्छी भाव, ऐसे लग रहा है ना जैसे हम तरस गए थे इस मौसम के लिए। तो ये देखिए बारिश, अभी अंधेरा हो गया ना, अभी मैं बता नहीं सकती आपको, दिखा नहीं सकती, पर ऐसे दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, देख रहे हैं वेदर, नाइस वेदर। तो मशीन हमारी बाहर ही थी, अब मशीन को अंदर ले जा रहे हैं,
तो चलिए वेदर, आप लोग भी अगर बटाला के हैं तो आप लोग भी वेदर के लिए एंजॉय, क्योंकि तरस गए थे भाई थोड़े दिनों में ये सारा कुछ देखने के लिए। तो आज रिलीफ मिला है, आज थोड़ा सा अच्छा हुआ है। ऊपर वाले का शुक्र करते हैं भाई, वही कर सकते हैं सब कुछ। और आज उन्होंने करके दिखाया तरसते हुए लोगों को ना, उन्होंने ये चीज जो ये मौसम जो दिया है ना, मैं बोलती हूँ सैल्यूट है भाई ऊपर वाले पे। वो कुछ भी कर सकते हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं। बिलीव ओनली ऊपर वाले पे, बिलीव करे बस, वेदर पे नहीं या नेट पे नहीं। ये देखिए ये है वेदर हमारा आज का, देखिए आज रात का वेदर है ये, 8:30 का टाइम हो गया है। तो खाना हो गया है हमारा, हम लोगों ने खा लिया, महिमा खा रही है, बीबी का खा रही, मैंने खा लिया है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को करते ये पे ख़त्म, कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। और बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, हंसते रहिएगा, हंसते रहिएगा, खुश रहिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। आज जैसे ऊपर वाले ने बड़ी टेंशन दूर कर दी ना हम सब की, वैसे ही हर एक टेंशन को दूर करेंगे, इसलिए भरोसा ऊपर वाले पे रखना। और लाइट को गए वो टाइम हो चुका है, लाइट अभी तक नहीं आई है, तो अभी हम लोग वेट करें लाइट की। तो चलिए ख़त्म करती हूँ आज के ब्लॉग को, कल सुबह मिलते हैं। तो मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना शेयर करिएगा प्लीज़। बाय बाय, गुड नाइट।